तो आज हम देख रहे हैं फोटोशॉप पे किस तरह से हम शेड बनाते हैं किसी प्रोडक्ट का। तो यहाँ से हमने एक न्यू फाइल ली है और यहाँ से हम क्लिक करके वेब पर आ रहे हैं। क्लिक किया, यहाँ से एक साइज लिया है, कर दिया, फाइल में गए, यहाँ से हमने ओपन किया है और यहाँ पे जाके हमने ये एक बॉटल ली है। इस बॉटल को हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, और जब ये सिलेक्ट हो गई है तो कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया है, यहाँ ले आए, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लिया है, तो ये प्रॉपरली बॉटल इधर आ गई है। इसके बाद हमने इसके पे क्लिक करा है, यहाँ पे एक नया लेयर ऐड कराया है और इसके ऊपर हमने दो कलर का शेड बना रहे हैं, एक वाइट दे रहे हैं, उसके साथ ग्रीन दे रहे हैं, तो ये ऊपर आ गया इसके। इसके बाद इसका कंट्रोल जे ले लिया एक और डुप्लीकेट करके, ये नीचे आ गया और इसको भी सी के बैकग्राउंड पे एक वाइट कलर लगा रहे हैं। बैंड बकेट टूल ले रहे हैं, यहाँ से वाइट कलर अप्लाई कर दिया, इसको नीचे ले लिया इसके, ठीक है। और इसके बाद जो है कंट्रोल टी करके यहाँ से इसको थोड़ा सा हमने सेट कर लिया कुछ इस तरीके से, क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एक और लेयर ऐड कराया है यहाँ पे, उस पर हमने यहाँ से ग्रीन कलर लेके फिल कर दिया है, पैन बकेट टूल लेके, तो ये ग्रीन कलर हो गया। कंट्रोल टी कर दिया ट्रांसफॉर्म करके, उसको हमने यहाँ से कितने हिस्से पे रखना है, इसको सपोज तो इतने पे रख के हमने इसको ओके कर दिया और ये इस पर अप्लाई हो गया। अब ये नीचे वाली बॉटल का शेप, दो बॉटल्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे, नीचे वाली बॉटल पर क्लिक करके एडिट में जाके हम इसको क्लिक कर रहे हैं परस्पेक्टिव वार्प पर, और यहाँ पे वार्प का जो ऑप्शन है, एक मिनट, पहले इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं ज़रा बोतल के साइज़ को थोड़ा सा कम करूँगा। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बोतल का साइज़ हमने कम कर लिया, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, अप्लाई। अब नीचे वाली बोतल पे क्लिक करके हमने क्लिक कर दिया नीचे वाली बोतल पे, और यहाँ पे जाके हमने इस बोतल पे क्लिक करके एडिट में जाके यहाँ से हमने क्लिक किया है पर्सपेक्टिव वार्प के ऊपर। पर्सपेक्टिव वार्प पे क्लिक किया हमने और यहाँ से हमने इसके ऊपर ये क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ से वार्प पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के हमने इस तरह से खींचना है, सीधा लेके जाना है इस तरह से, जितना आगे लेके जा रहे हैं आप। इसके बाद इसको पकड़ के इसे आगे लेके जाना है आपने, ठीक है। फिर जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं उस पर जाना है आपने, यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से, फिर इस वाले को लाके भी इस तरीके से सीधा इस पे ऐसे दिखा देना है, ठीक है। और इसके बाद इसको ओके कर देना है, ओके करके ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। इस पर क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से कलर ओवरले पे क्लिक करना है और उसको ओके कर देना है। जैसे इसको ओके करेंगे क्लिक करके, फिर आपने जाना है फिल्टर में, ब्लर गैलरी में, यहाँ से फील्ड ब्लर लेना है। फील्ड ब्लर लेने के बाद ये ब्लर आपने एक इसकी पोजीशन यहाँ सेट करनी है, दूसरी पोजीशन यहाँ सेट करनी है, तीसरी पोजीशन यहाँ सेट करनी है और उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपने इस पर अप्लाई करना है मास्क। मास्क अप्लाई करने के बाद यहाँ से क्लिक करना है ग्रेडियंट ओवरले पे, यहाँ ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसका बेसिक फॉर्मेट पे कलर आ जाएगा। इसके बाद आपने ये कलर इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है। ज़्यादा लाइट हो रहा है, थोड़ा ऊपर से अप्लाई करें, ये देखिए इस तरह ये इसका शेड बन जाएगा। थोड़ा सा और नीचे ले जाएं इसको, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लिक कर दें, अब यहाँ पे क्लिक करें, एक लेयर ऐड करा दें, उस पर टेक्स्ट ले लें, टेक्स्ट में यहाँ पर लिख लें तो ये देखिए किस तरह से हमने इसका शेडो क्रिएट कर दिया।